नमस्कार। चलिए आज हम वेज पुलाव बनाएंगे। कैसे वेज पुलाव बनता है आज वो आप लोग के साथ शेयर करने वाले। तो ये चावल मैंने धो लिया है, सब्जी भी सारा मैंने कट कर लिया है जो भी मेरे पास सब्जी था, और इसमें दालचीनी, लवंग और तेज़पत्ता और प्याज को कट कर लेते हैं, और पनीर को मैंने फ्राई करके पहले ही से मैंने रखा था, और प्याज को मैं थोड़ा सा कच्चापन है वो फ्राई कर लेते हैं। बहुत जल्दी बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है अगर कोई मेहमान आए तो। कैसे जल्दी बनाइएगा तो ये मैंने आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जल्दी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया बनता है वेज पुलाव। तो जो भी सब्ज़ी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक आप डाल देते हैं। ये जो भी मेरे पास सब्ज़ी था, गोभी, आलू, गाजर, मटर है, जो भी है, इसको हम पकाएँगे, थोड़ा सा कच्चापन इसको निकाल लेंगे, अच्छे से फिर पका लेंगे। और इसमें मटर भी मैंने डाल दिया, बहुत टेस्टी बनता है वेज पुलाव, और बहुत बढ़िया झटपट बिना मसाला तेल के और बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होता है। इसमें अच्छे से इसको ढककर पकाइएगा जिससे पक जाएगा, इसमें पानी भी नहीं पड़ेगा, और ये इसके भाप से ही पकना चाहिए, जिससे आधा कच्चा सब्जी आधा कच्चा हो जाएगा तो फिर चावल में पानी डलेगी तो पक जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ब्राउन हो चुका है आलू, इसका मतलब है पूरा। और पानी अब इसमें हम चावल डाल देते हैं, चावल डाल के अच्छे से इसको हम पका लेते हैं, जगह मिक्स कर लेते हैं, और इसमें कोई कलर कोई वो नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिक ये खुद ही पक जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे चीज़ों को, और इसमें तो एक चम्मच घी डाल देते हैं इसमें, जिससे टेस्ट आएगा पुलाव का। अब ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इसमें पानी या क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, आप कितना चावल डालते हैं तो कितना आपको चाहिए। तो मैंने 2 गिलास चावल लिया था, तो मैंने इसमें 3 गिलास तक मैंने पानी डाला है मैंने। तो ये देखिए कितने खिले खिले और बढ़िया चावल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है चावल। तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं, इसको ढक कर मैंने पका लिया था। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा पनीर से मैंने इसको गार्निश करता। आप इसे बनाइए वेज पुलाव।